वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ट्राइब्स, हमने एक जनरल अभी सुना कि ट्राइब्स को कैसे हम परिभाषित करते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और साथ में ट्राइबल कम्युनिटी की क्या समस्याएं भी हैं। आगे हम अब विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, साथ में भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि विश्व में ऐसे कौन से प्रदेश हैं जहाँ पर जनजातियों का निवास क्षेत्र पाया जाता है। तो मेजर ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ द ट्राइब्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है भूमध्य रेखीय इक्वेटोरियल रीजन, जो जनजातियाँ वहाँ रहती हैं उनमें है पिग्मी, सिमांग और सकाई। देन दूसरा जो ज्योग्राफिकल रीजन है वह है हॉट डेजर्ट रीजन, जिसमें बदूज एंड बुशमैन आते हैं। तीसरा जो ज्योग्राफिकल रीजन है वह मानसून फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस रीजन, जहाँ पे निवास करते हैं नागा, गोंड, संथाल, भील, गुजर, टोडा, चकमा, भोटिया इत्यादि जनजातियाँ। देन ग्रासलैंड्स, घास के प्रदेश, जहाँ पे खिलगीज, मसदाई आदि निवास करते हैं। और जो पांचवा प्रदेश है वो है शीत मरुस्थल या टुंड्रा प्रदेश, और जिसे हम कहते हैं कोल्ड डेजर्ट और टुंड्रा रीजन, जहाँ पे एस्किमो, चुपची, समोएत, याकूत, लैप इत्यादि निवास करते हैं। तो ये पूरे विश्व में फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टू पोलर रीजन में आपके ग्रासलैंड, डेजर्ट, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट दोनों, देन ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट एरिया एंड इक्वेटोरियल रीजन में आपके जो मानसूनल एरिया और फॉरेस्ट सॉरी माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे जो निवास करने वाली जनजातियाँ हैं वो देखते हैं। इसमें अगर हम फर्दर इसको क्लासिफाई करते हैं विश्व की प्रमुख आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी जनजातियों को, तो हम पहला प्रमुख प्रदेश देखते हैं भूमध्य रेखीय वन प्रदेश, जहाँ पे कॉन्गो बेसिन, अमेजॉन बेसिन एंड मलाया, थाईलैंड, दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग आता है। और इसमें जो जनजातियाँ निवास करती हैं वह है पिग्मी, अमेजॉन बेसिन में बोरो, मलाया थाईलैंड में सिमांग एंड सकाई जनजाति। दूसरा जो रीजन है हॉट डेजर्ट रीजन, उसके अंदर एक अरब का डेजर्ट जो एशिया में है और कालाहारी जो अफ्रीका में है, यहाँ पे जो जनजाति रहती है वो है बेडुइंस एंड बुशमैन। तीसरा जो ज्योग्राफिकल रीजन है मानसूनल फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस एरिया, उसके अंदर दो हैं इंडिया एंड नॉर्थ अमेरिका। इंडिया में जो रहते हैं वो हैं आपका नागा, गोंड, संथाल, भील, गुजर, टोडा, चकमा, भोटिया इत्यादि। उत्तरी अमेरिका की जो जनजाति है उसे हम कहते हैं रेड इंडियन। नेक्स्ट आता है फोर्थ रीजन जो है हमारा ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड में स्टेपीज एंड सपानास दो में हम क्लासिफाई करते हैं। स्टेपी जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया में, जहाँ पे खिरगीज जनजाति निवास करती हैं, और जो सवाना क्षेत्र है जो अफ्रीका में लोकेटेड है वहाँ पे मसाई जनजाति निवास करती है। लास्ट जो हमारा रीजन था वो है शीत कोल्ड डेजर्ट या टुंड्रा प्रदेश जिसे हम कहते हैं, ये तीन में डिवाइडेड है, ग्रीनलैंड नॉर्थ कैनेडा, सेकेंड है नॉर्थ यूरोप, और तीसरा जो एरिया है वो है नॉर्थ साइबेरिया जिसे एशिया का पार्ट। अब इनमें जो जनजातियाँ निवास करती हैं वो हैं एस्किमो, लैप्स, याकूत, युकाधीर, चुपची एंड समोएत। अगर हम ज्योग्राफिकल अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जो जनजाति वो है एस्किमोज। आज हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति के बारे में, उनके निवास क्षेत्र के बारे में, वो उनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा कैसी है, उनका निवास क्षेत्र कैसा है, क्या उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे वो इंकैश करते हैं, और कितना डिफ़िकल्ट है उस हॉस्टाइल रीजन में रहना जहाँ का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है। तो आइए देखते हैं एस्किमोज का जो रीजन है वो है ग्रीनलैंड, कैनेडा, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया का पार्ट। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर जाते हैं सब स्टार्ट हुआ तो एज पर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च द ओरिजिन ऑफ द इनुइट लाई इन वॉर्थ वेस्टर्न अलास्का। दीज फर्स्ट अलास्कन इनुइट लिव्ड इन ऑन द सी कोस्ट इन टुंड्रा वेयर दे हंटेड सील, वॉलरस, वेल्स एंड कैरिबू। दे एंड देयर एंसेस्टर्स आर द फर्स्ट आर्कटिक पीपल टू बिकम एक्सपर्ट एट हंटिंग द लार्जर सी मैमल्स सच एज द बाउहेड व्हेल। अगर हम इनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो जो हमारे आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हुई है, पुरातत्व अनुसंधान शोध जो हुआ उसमें ये है कि इनुइट जिसका मतलब होता है माद जिसे शब्दिक लिटरल मीनिंग है पीपल, ये नॉर्थ वेस्टर्न अलास्का के में रहते हैं, और ये अलास्कन जो इनुइट हैं जिन्हें हम कहते हैं पीपल, ये टुंड्रा और सी कोस्ट पे पाए जाते थे। अब वहाँ पे सी कोस्ट है तो वहाँ पे जो एनिमल्स थे वो हैं सील, वॉलरस, वेल्स एंड कैरिबू। उनके ये और इनके पूर्वज हैं ये आर्कटिक मानव समूह के सर्वप्रथम जनजातीय व्यक्ति हैं जो वहाँ पे निवास कर रहे थे और इतने बड़े मैमल का हंट करता करते थे। इनुइट पीपल की बात हम करते हैं तो आइए इनके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। जिन्हें हम इनुइट कहते हैं ये एबोरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन आर्कटिक रीजन का पार्ट है इनका।
फ्रॉम बेरिंग स्ट्रेट टू ईस्टर्न ग्रीनलैंड अ डिस्टेंस ऑफ ओवर 6,000 किलोमीटर्स एज वेल एज आर्कटिक कनाडा. इनुइट ऑल्सो लिव इन नर्दर्न अलास्का एंड ग्रीनलैंड एंड हैव क्लोज रिलेटिव्स इन रशिया. मतलब ये पूरा जो 60 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का एरिया है राइट फ्रॉम अलास्का टू साइबेरिया, ये इनके डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वहाँ पर रहते हैं. दे आर यूनाइटेड बाई अ कॉमन कल्चरल हेरिटेज एंड अ कॉमन लैंग्वेज. ये इनको एकीकृत करने वाली सिर्फ एक भाषा है का आधार है और इनकी एक जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके आधार पर ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं. अंटिल रिसेंटली आउटसाइडर्स कॉल्ड द इनुइट एस्किमो, नाउ दे प्रेफर देयर ओन टर्म इनुइट मीनिंग सिंपली पीपल. देर आर अबाउट 40,000 इनुइट इन कैनेडा. एस्किमो का मतलब होता है रॉ मीट ईटर. तो ये अपने आप को एस्किमो कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन आउटसाइडर वर्ल्ड जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, डेवलपिंग वर्ल्ड है, वो इनको एस्किमो कहते हैं, लेकिन ये अपने आप को इनुइट कहलाना ही पसंद करते हैं. इनुइट एंड एस्किमो के जो दो शब्दावली है उनमें आप देखेंगे द टर्म एस्किमो मीन्स ईटर ऑफ रॉ मीट, मीन्स ये लोग कुक करके नहीं खाते हैं, ये सीधा हंट करते हैं. रॉ दे कंज्यूम. दे वर नेम्ड दस बाय द चाइपियन इंडियंस एंड नॉट इंटेंडेड एज अ कॉम्प्लीमेंट. द स्टैंडर्ड टर्म इज़ नाउ इनुइट मीनिंग द पीपल. अब हम इनको नॉर्मली इनुइट के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब शाब्दिक जो अर्थ है उसका मतलब है व्यक्ति या मानव. लोकल पीपल्स आर नेम्ड विद द सफिक्स मीट विच ऑल्सो मीन्स द पीपल. जो वहाँ के रहने वाले लोकल कम्युनिटी हैं वो भी इनको मीट कहती है, जिसका मतलब होता है मानव वर्ग. फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंट्स लिविंग नियर द उटकक रिवर आर नोन एज उटका मीट, मीन्स इन ये रिवर के साथ म्यूट वर्ड रखने जाते हैं और उटका एक्जरी रिवर, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को उटका म्यूट कहा जाता है. नाउ पीपल्स ऑफ द करकम पोलर रीजन, क्योंकि ये पूरा आर्कटिक सी के ऊपर के आसपास का एरिया कवर करते हैं, तो जिन्होंने ध्रुवीय प्रदेश में अपने आप के एनवायरमेंट के साथ, प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूलन किया है, वो इस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए अप्लाई होता है. और ये इनुइट एस्किमो नॉर्थ अमेरिका ग्रीनलैंड में है. बेरिंग स्ट्रीट में अलूशियन आइलैंड है, तो उनके वहाँ रहने वाले मानव वर्ग को अलूत कहा जाता है. द पीपल्स ऑफ साइबेरिया, जो साइबेरिया में रहने वाले तुंड्रा प्रदेश की जनजाति है उसे चुकची कहते हैं. और स्कैंडिनेविया, उत्तरी स्कैंडिनेविया में रहने वाले जनजाति को हम लैप कहते हैं, लैप्सलैंड के नाम से भी जाना जाता है. देन पीपल्स ऑफ द अमेरिकन आर्कटिक, अभी तक आपने साइबेरिया और यूरोप का पार्ट देखा, ये अमेरिकन आर्कटिक प्रदेश है. यहाँ पे इनुइट के दो हैं पार्ट, कोस्टल तेरुमियुत एंड इनलैंड को नूनामियुत के नाम से जाना जाता है, मीन तटीय क्षेत्र और आंतरिक भाग में. जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो आप इस मानचित्र में देख पा रहे हैं कि जो रेड से प्रदर्शित किया गया है ये एस्किमो का वेस्टर्न अलास्का टू ग्रीन, मीन्स हम पूरे ध्रुवीय प्रदेश में रहने वालों को एस्किमो नहीं कहते हैं. ओनली दोस ट्राइबल कम्युनिटी हु लिव्स इन वेस्टर्न अलास्का से लेकर ग्रीनलैंड तक, उन्हें ही हम एस्किमोस के नाम से जानते हैं. और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. अल्यूट ऑक्यूपाई द नेम सेक अल्यूशियन आइलैंड्स ऑफ द बेरिंग स्ट्रीट, जैसा कि अभी आपको मैंने पिछले स्लाइड में समझाया. इनके बारे में कुछ तथ्य हैं, आइए वो देख लेते हैं. एस्किमोस बेसिकली ओरिजिनेटेड बाय द एशियंस, इनका ओरिजिन जो सोर्स उत्पत्ति है वो एशियाई समूह से है. दे डोंट यूज़ द वर्ड एस्किमोस व्हेन दे टॉक अबाउट देमसेल्व्स, मीन्स वो अपने लिए वो एस्किमो शब्द का उपयोग नहीं करते हैं. दे लुक द सेम, ये जो एस्किमोस हैं वो सारे एक जैसे ही लगते हैं. दे ऑल हैव लाइट ब्राउन हेयर विद डार्क स्किन, डार्क आइज एंड लॉन्गिश फेसेस. तो ओवरऑल जो इनका अपियरेंस है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, इसे सभी एक जैसे ही लगते हैं. एस्किमोस लाइफ नियर द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ सच एज आर्कटिक सर्कल, ये इनकी जो लाइफ है ये आर्कटिक सर्कल के आसपास में जो रिसोर्सेज हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की हम बात करते हैं तो 9 महीने तो इनके यहाँ बहुत कठोर शीतल जलवायु होती है, ठंड होती है, और समुद्र जो है वो हिमाच्छादित रहता है, मीन्स फ्रीज्ड रहता है. शेष जो 3 महीने जो रिमेनिंग 3 मंथ्स है उन्हीं में ही बसंत, गर्मी और पतझड़, तीनों जो ऋतुओं का चक्र है वो पूरा हो जाता है. जो विंटर का है तापमान लैंड पे वो 40 डिग्री सेल्सियस में जाता है और कोस्टल एरियाज़ में 35 डिग्री सेल्सियस. और जो लॉन्ग नाइट्स हैं, जो विंटर्स हैं, उनमें जो शीत ऋतु है वो लंबी होती हैं और दिन बहुत छोटे होते हैं. और उत्तर दिशा से नॉर्थ एरिया से जो बर्फीली हवा चलती है उसे हम ब्लिजर्ड कहते हैं. और ग्रीष्म के महीने में सिर्फ 2 महीनों में ही तापमान मई और जून में 0 सेल्सियस डिग्री से ऊपर होता है, वरना ये हमेशा माइनस में पाया जाता है. क्योंकि यहाँ पे हमेशा फ्रीज रहता है, हिमाच्छादित रहने के कारण मिट्टी नहीं होती, सॉइल फॉर्मेशन नहीं होता और नॉर्मल बेयर रॉक्स ही पाई जाती हैं. यहाँ पे वृक्ष नहीं उग पाते, केवल जो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते, शैवाल, काई, लिचन
और कुछ कलरफुल फ्लावर्स होते हैं वो आपके ग्रीष्म ऋतु में आ जाते हैं।